किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना, ये लाइन कंगना रनौत की बहन रंगोली पर बिल्कुल सूट करती है। आलिया भट्ट पर अवार्ड फिक्सिंग का आरोप लगाने वाली रंगोली ने अब आलिया की अगली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी पर तंज कसा है। रंगोली ने ट्विटर पर आलिया की और उनके काम की धज्जियां उड़ाई है। टाइम ना वेस्ट करते हुए दिखाते हैं आपको रंगोली के ट्वीट्स। आलिया जी ने फिल्म राजी में एक मुस्लिम स्पाई प्ले किया जो पाकिस्तान जाती है, प्रेग्नेंट होती है और रोने लगती है, मुझे घर वापस जाना है, देश और नेशनलिज्म जाए भाड़ में। बॉली लिब्रांडस को मिल गई उनकी बेस्ट एक्ट्रेस। गली बॉय में आलिया ने एक बुरखे वाली का रोल प्ले किया, उतना ही काफी था। लिब्रांडस को उनकी बेस्ट एक्ट्रेस इस साल भी मिल गई। अब आलिया जी एक पिम प्ले कर रही है गंगूबाई अकॉर्डिंग टू हुसैन जैदी बुक। गंगू वॉज अ प्रोस्टिट्यूट, मगर जब उसकी उम्र हो गई तो वो टॉप गैंगस्टर्स को लड़कियां सप्लाई करती थी। कहते हैं वो नेहरू की भी दोस्त थी। तो ये तो अगली साल की बेस्ट एक्ट्रेस बॉलीवुड को मिल गई। अब आलिया जी माँ शीला प्ले करेंगी द मास्टरमाइंड बिहाइंड आर्म्ड कल्ट, जिसने हर धर्म की धज्जियां उड़ा दी और ऑर्जीज को पॉपुलर किया। तो ये तो बॉली लिब्रांडस का वेट ड्रीम है। इसका मतलब ये अवार्ड बुक हो गया। माँ बाप ने एक्टिंग चाहे ना सिखाए हो, मगर जिहादी पॉलिटिक्स में पूरी ट्रेनिंग है। मगर अब अनन्या जी भी आ गई है तो हो सकता है कंपटीशन बढ़ जाए। वेल, एक बार फिर आलिया पर सीधा सीधा निशाना साधा है कंगना की बहन ने। आलिया की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को बना रहे हैं संजय लीला भंसाली। आलिया भट्ट का फिल्म से फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है। फिल्म में आलिया भट्ट गंगूबाई की भूमिका में नजर आएंगी। ये फिल्म सितंबर 11, 2020 को रिलीज होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेखक एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के मुताबिक गंगूबाई गुजरात के काठियावाड़ में रहने वाली थी, जिसके चलते उनको गंगूबाई काठियावाड़ी कहा जाता था। इस कहानी को बड़े पर्दे पर देखने की उत्सुकता सभी को है, लेकिन फिलहाल रंगोली ने आलिया पर ताना मारा है। इस पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।